हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं क्रिएटिव स्वयं। तो आज हम लोग बनाएंगे एक हाइड्रोलिक आर्म। तो उसके लिए मैं कुछ मटेरियल यूज़ करूँगा। तो ये कुछ सिरिंजेस हैं, 5 ml की हैं। देखिए, आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ग्लूकोस वाला पाइप है मेरे पास, आप इसके रेट देख सकते हैं। और मेरे पास ये 22 सेंटीमीटर का एक कार्डबोर्ड है, दो कार्डबोर्ड है सॉरी। उसके बीच में मैंने ये एक सिरिंज और जॉइंट कर दिया, जिसमें मैंने ये दो वायर्स भी ज्वाइन कर दिए हैं इधर पर होल्स करके। देख लीजिए आप, इधर पर ज्वाइन कर दिए। और क्या चाहिए होगा, और हम लोग को ये 22 सेंटीमीटर्स की दो प्लाईवुड्स चाहिए होंगे, कार्डबोर्ड सॉरी। ये 8 सेंटीमीटर का है और इधर से 6 सेंटीमीटर्स का है, और इधर से 4 6। ये सेम दोनों हैं। और उसके बाद एक ये डायमंड शेप का चाहिए होगा हम लोग को, ये 2 इंचेस का है, ये ऊपर वाला, ये 2 सेंटीमीटर्स 5 सेंटीमीटर्स एंड सेम, ओनली 1 पीस चाहिए होगा। और एक इस तरह का चाहिए होगा, आप देख लीजिए, अपने हिसाब से ही बना सकते हैं जैसा आप बनाना चाह रहे हो। तो मैं सबसे पहले इसे ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी अभी देखा कि इसमें लिखा है ₹115, ये इसमें लिखा है 115, लेकिन ये 80 रुपीज़ तक का आपको मिल जाएगा, 80 रुपीज़ 60 रुपीज़। तो मुझे तो 65 का मिला। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, वायर मिला है, पाइप है। तो मैंने इसे मीज़र कर लिया है, तो ये 145 सेंटीमीटर्स का ये मिला है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। मैंने इसका ये निकाल लिया है, बार मैं ये भी निकाल लेता हूँ। आई गॉट 4 मटेरियल वेस्ट। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए पहले मैं एक बोल्ड लूँगा, उसमें मैं इसको लगा दूँगा कुछ ऐसे। इधर पर लगा देता हूँ। मैं इसे टूथपिक से ज्वाइन कर लेता हूँ। तो उसमें मैंने होल कर रखा है, और इधर पर ऐसे मैंने कर दिया। देख लीजिए, मैं छोटा सा एक कार्डबोर्ड का पीस लूँगा। तो ये देख लीजिए, मैंने होल कर लिया है दोनों कार्डबोर्ड्स। तो मैं इनको जोड़ लेता हूँ। तो सबसे पहले लगा लेंगे हम लोग।
हुक्स हैं। हम लोग इधर पर डाल देंगे थोड़ा सा, जिससे जो बाहर वाला ब्लॉक है वो ज्वाइन हो जाए। तो ये देखिए ये जुड़ चुका है। अब हम लोग के आगे का काम करते हैं। हम लोग इसमें ये वाला जोड़ेंगे, सॉरी जोड़ेंगे, ये इधर पर मैंने दो होल्स कर रखे हैं, तो मैं इधर पर इनको जोड़ दूंगा। तो हम इसमें सिरिंज लगा लेते हैं। सबसे पहले ये वाली मैंने देखी, सिरिंज में जिपटाई लगा दिए, तब पर जैसे इसमें मैं ये जगह डाल सकूँ। पहले कर लगा लेते हैं हम लोग। तो देखिए इधर पर मैंने होल कर रखा है दोनों साइड पे, देखिए इधर पर ये हो गया। मैं इसको इधर पर लगा लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये मैंने फिट कर दिए इसमें, तो अब ये अपने आप से कुछ नहीं हो रहा है। तो अब इधर पर एक और इधर पर फिट कर देते हैं लोग। तो हम लोग इसमें इधर पर होल कर लेते हैं इधर पर। देखिए होल हो चुका है, तो अब इसमें हम लोग की ये जा सकती है आराम से। तो उसको लगा लेते हैं। तो ये देखिए इधर पर टूथपिक लगाने के लिए हम लोग को इधर पर एक छोटा सा रिफिल लगाना पड़ेगा। जिप टाई की जगह आप लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। इसको फेविक्विक से जोड़ लेता हूँ। तो देखिए मैंने जोड़ लिया इसमें रिफिल आराम से, रिफिल सॉरी, इसमें टूथपिक आराम से जा सकती है। तो हम लोग इसको लगा लेते हैं।